खबर जनपद सहारनपुर के कस्बा नकुड़ से है, जहां राशन डीलर राशन कम बांटने की शिकायतें लगातार पूर्ति विभाग कार्यालय में दी जा रही थी। आपको बता दें कि नगर में इंदोजैन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है, जिस पर लगातार पात्र राशन कार्ड धारकों द्वारा घटतौले की शिकायत पूर्ति विभाग में की जा रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पूर्ति निरीक्षक नेहा गुप्ता ने मोहल्ला बंजारन पहुंचकर जांच की। पूर्ति निरीक्षक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज 34 शिकायतकर्ता द्वारा घटतौली का आरोप लगाया गया है। पूर्ति निरीक्षक नेहा गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई दिनों से शिकायतकर्ता द्वारा राशन घटतौली को लेकर शिकायत की जा रही थी, जिसको लेकर आज जांच की गई है, जिसमें 34 शिकायतकर्ता की शिकायत आई है। अभी जांच चल रही है, जांच पूर्ण होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। नकुड़ से पीयूष गुप्ता के साथ सहारनपुर से हसीब खान की रिपोर्ट। नाम है आपका? फहमीदा। कहाँ के रहने वाले हो? देखिए क्या मामला हुआ भैया, आज 6:30 था, 6 में 4 दे, 2 चावल दे, 2 नाच दे, और अगले फेरे में जब बांटेगा तो सारे चावल ही चावल भर दे। कौन देता है? क्या नाम है? जैन। जैन, इंदू जैन राशन डिपो वाला। कफ किस जांच पे आई है आप, किस प्रकार का क्या मामला है? देखिए, काफी दिनों से मेरे कार्यालय में कुछ लोग आकर एक उचित दर विक्रेता इंदू जैन के राशन कम मिलने की शिकायत कर रहे थे, जिसके लिए मैं आज मौके पर पहुंची। जांच में मैंने 34 लोगों के बयान लिए और सबने कम राशन देने की शिकायत के बयान दर्ज कराए। मैडम आगे की कार्रवाई क्या होगी? देखिए, मैं अपनी रिपोर्ट उपजिलाधिकारी महोदया को सौंप दूंगी, उनके निर्णय के अनुसार जो भी होगा अग्रिम किया जाएगा।